दोस्तों, भारत का राष्ट्रपति भवन दिल्ली में है, पर छत्तीसगढ़ के सूरजपुर ज़िले में अंबिकापुर के पास भी एक राष्ट्रपति भवन है। हम आपको वहाँ लेकर चलते हैं, उससे जुड़ी हुई कहानी बताते हैं। आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का सरगुजा आगमन जब हुआ था उस समय इस स्थान पर आए थे। यह हमारे सूरजपुर जिले के पंडो नगर, जो सूरजपुर के कमलपुर के पास स्थित है, इसे यहाँ राष्ट्रपति भवन के नाम से जानते हैं। दोस्तों, आज हम आपको सरगुजा का राष्ट्रपति भवन, सूरजपुर जिले का राष्ट्रपति भवन लेकर चलते हैं। दोस्तों, ये स्थान हमारा सूरजपुर जिले में है, जो अंबिकापुर से जब आप निकलेंगे सिलफिली तरफ तब यहाँ पड़ता है। ये जो रूम है दोस्तों, इस रूम में भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का आगमन हुआ था और वो यहाँ रुके थे, कुछ समय अपना बिताए थे दोस्तों। और इस वृक्ष को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लगाया था। दोस्तों, ये जो खैर का वृक्ष है, ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लगाया गया था। ये उन्हीं के द्वारा लगाया गया पौधा है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के साथ सरगुजा के उस समय के राजा रामानुज सरन सिंह देव का आगमन पंडो नगर गाँव में 22 नवंबर 1952 में हुआ था और वो यहाँ एक रात रुके थे। राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के ही नाम से यहाँ रुकने के कारण इसे राष्ट्रपति भवन के नाम से जाना जाता है। राजेंद्र प्रसाद यहाँ के लोकल लोगों के साथ यहाँ के लोकल कल्चर का नृत्य भी किए थे। दोस्तों, आपको जब भी मौका मिले तो आप सूरजपुर जिले के सिलफिली के पास आकर भारत के राष्ट्रपति भवन, जहाँ भारत के प्रथम राष्ट्रपति एक रात रुके थे, आकर आप राष्ट्रपति भवन देख सकते हैं। दोस्तों।